आपके साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गुगलधार में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सेना और पुलिस ने दो आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना के चिनार कार्प्स ने बताया कि शुक्रवार 4 अक्टूबर को सेना और पुलिस को एक संदिग्ध एक्टिविटी दिखी। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी शुक्रवार को गोलीबारी की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर किश्तवाड़ के चतरू गांव में ऑपरेशन शुरू किया था। इससे पहले 28 सितंबर को कठुआ जिले में बिलावर तहसील के कोक मंडली में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की मौत हो गई थी। मुठभेड़ के दूसरे दिन एक आतंकी मारा गया था। कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में भी शनिवार 28 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था। इसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के ASP घायल हुए। साउथ कश्मीर के DIG जावेद इकबाल मट्टू ने बताया कि आदिगाम एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। इनमें एक आतंकी आकिब अहमद शेर गोजरी बडगाम के चडूरा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी उमेश स्वानी है जो कुलगाम के ही चावलगाम का रहने वाला है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम करते हैं। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।